गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में पार्ट 18 का अभ्यास करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 97। इसे भी बताइए, कुत्ते का क्या नाम था। बच्चों, हमने पार्ट पढ़ा था तो उसमें कुत्ते का क्या नाम था? शेरू। ठीक है, कुत्ता इधर उधर क्यों घूम रहा था? भोजन की तलाश में। ठीक है, कुत्ता रोटी का टुकड़ा पाकर क्या सोचने लगा? कहीं दूर जाकर छुपकर खाऊंगा। ठीक है, अपनी परछाई देखकर कुत्ते के मन में क्या आया? लालच। ठीक है, शेरू ने क्या निश्चय किया? कि अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। ठीक है, अब नीचे दिया है शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। शेरू डैश की तलाश में, किसकी तलाश में बच्चों? रोटी। शेरू रोटी की तलाश में क्या आएगा? इधर उधर घूम रहा था। डैश में उसे एक, डैश में मतलब बच्चों रास्ते में उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न था। शेरू ने डैश मतलब बच्चों तालाब, शेरू ने तालाब के जल में अपनी परछाई देखी। मन में निश्चय किया कि अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द लिखें। दूर का क्या होता है बच्चों? पास। ठीक है, प्रातः सायं। ठीक है, तेज धीरे। ठीक है, नीचे ऊपर। ठीक है, अब यहां दिया है क्रिया का सही रूप लिखें। कुत्ता इधर उधर डैश घूम रहा था। क्या आएगा बच्चों? घूम रहा था। रास्ते में उसे एक रोटी डैश मिली। क्या आएगा बच्चों? मिली। रास्ते में पुल डैश आया। रास्ते में एक पुल आया। ठीक है, रोटी छपाक से पानी के अंदर गिर गई। ठीक है, शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करें। ठीक है, देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है? जमीन, सुरीली, रोटी, आवाज, भाग, आरंभ,
गाना, पेड़, प्रशंसा, लालच। ठीक है। नीम के डैश पर एक कौआ बैठा था, क्या आएगा बच्चों? पेड़। ठीक है। नीम के पेड़ पर एक कौआ बैठा था, उसके मुंह में डैश का टुकड़ा था, क्या आएगा बच्चों? रोटी। ठीक है। लोमड़ी को डैश आ गया, क्या आएगा बच्चों? लालच। उसने कोई से कहा एक डैश गाओ, क्या कहा उसने? गाना, एक गाना गाओ, आपकी आवाज बड़ी सुरीली है। कोए ने अपनी डैश सुनकर, क्या आएगा? प्रशंसा। प्रशंसा सुनकर गाना आरंभ किया, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया और रोटी और लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई। ठीक है। जय हिंद बच्चों।